व्लादिमीर पुतिन ने मुझे फोन पर धमकी दी और ये कहा कि मैं तुम्हारे देश में एक मिनट में मिसाइल मार सकता हूँ, ये कहा बोरिस जॉनसन ने। इन्होंने ये कहा कि जब ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, पुतिन ने इनको कॉल किया और ये कहा कि एंश्योर करो कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, और उसके बाद कैजुअली ये भी कह दिया कि हम तुमको भी आराम से मिसाइल सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जो ये छोटी सी वीडियो है ये आप देखें। You say that Ukraine is not going to join NATO anytime soon. He said it in English. Anytime soon. What is anytime soon? And I said, well, it's not going to join NATO for the foreseeable future. You know that perfectly well. It fundamentally, it wasn't about, you know, he threatened me at one point and said, you know, Boris, I don't want to hurt you, but with a missile it would only take a minute or something like that, you know. और सेंस धमकी ये दी गई थी कि एक मिनट में हम हिट कर देंगे यूके को, तो डेफिनेटली पुतिन ने वार्निंग दी है एक हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर। और अजीब बात यह है कि बोरिस जॉनसन इस बारे में चुप रहे जब तक ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटे नहीं।